विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा देकर हमीरपुर की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं खनन को लेकर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि खनन करना गुनाह नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से खनन करना सही है और वैज्ञानिक तरीके से खनन करने वालों को खनन माफिया बोला जाता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की अवहेलना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट से समन आने पर जाना ही पड़ता है। खनन करना, हम थोड़ी कह रहे हैं कि खनन करना कोई गुनाह है। एक वैज्ञानिक तरीके से खनन करना और एक अवैज्ञानिक तरीके से और चोरी से करना और माइनिंग के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ आपने माइनिंग करना, वो गलत है, उसको खनन माफिया बोला जाता है। वैसे तो क्रशरियां 40-40 सालों से लोगों के, 50-50 सालों से लोगों के रहे लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कौन सा तरीका ढूंढा प्रताड़ना का, इसमें कौन सा तरीका प्रताड़ना का? अगर आप अगर कोई अगर आज रिटायर हो जाता है कोई अगर नौकरी से, तो आप उसको दूसरे दिन भी उसी टेबल पे बिठा के रखते हैं? नहीं ना। और कौन सी प्रताड़ना की वो बात कर रहे हैं, कौन सी प्रताड़ना? तो सर, कोर्ट मामले में उनका कहना है कि तंग किया जा रहा है इलेक्शन के दौरान। आप देख ही रहे हैं कि कोर्ट की अवहेलना कोई नहीं कर सकता, और कोर्ट के ऊपर सरकार का राज नहीं चलता, कोर्ट अपने हिसाब से चलता है। हम भी सरकारी कर्मचारी रहे हैं, हम डॉक्टर रहे हैं, अगर हम भी कोर्ट में एविडेंस देने दो बार नहीं जाते तो तीसरी बार हमें भी गैर जमानती सम्मन आते थे और उठा के ले जाते थे। वो जाना ही पड़ेगा, अगर कोर्ट में आपने हाजिरी नहीं भरी है तो वो तो बोलेंगे कि उसमें सरकार का क्या लेना देना, आप ही बताएं। वही नालागढ़